खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी संजीव मिश्रा ने आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जब उन्होंने चिराग बस से 7 बोरी पोस्ता जब्त किया। संजीव मिश्रा ने बताया कि जब उन्होंने चिराग बस की तलाशी ली तो सीट के नीचे रखा हुआ 7 बोरी पोस्ता मिला जिस पे लिखा था वाइट हॉर्स बेस्ट क्वालिटी। बाद में तफ्तीश करने पर पता चला कि यह पोस्ता दाना हितांशी ट्रेडिंग कंपनी का है और जब उनसे मौके पर अनुज्ञा की मांग की गई तो वे भी नहीं दिखा पाए। फिलहाल संजीव मिश्रा ने पोस्ते दाने के नमूने ले लिए हैं और 7 बोरी पोस्ता जब्त कर लिया है। यह पोस्ता दाना नीमच से जयपुर भेजा जा रहा था। गौरतलब है कि वीडियो कोच बसेस में नीमच से जयपुर और दिल्ली के बीच बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार चलता है। यह अवैध कारोबार टैक्स चोरी का गोरख धंधा है जिसमें व्यापारी अपना माल नंबर 2 में जयपुर दिल्ली और अन्य शहरों में भेजते हैं। लोगों का मानना है कि ये वीडियो कोचेस बसेस इसीलिए चलाई जा रही है ताकि ये माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाए। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि चिराग बस पर 3:30 बजे जो है पोस्ता यहाँ से जयपुर भेजा जा रहा है नीमच से। तो हम लोग जब मौके पर पहुँचे तो मौके पर पहुँच कर देखा कि बसों के अंदर जो है 7 बोरियाँ सीट के नीचे जो है पोस्ता रखा हुआ है और वो पोस्ता वाइट हॉर्स बेस्ट क्वालिटी सॉर्टेक्स नीमच उसके ऊपर लिखा हुआ था। और जब मालूम किया तो चिराग बस जो है वो बालाजी ट्रेवल्स के साथ में अटैच है और उनके द्वारा ही जो ये माल यहाँ से भेजा जा रहा था जयपुर। इनको जब बुलाया गया बालाजी ट्रेवल्स वालों को तो बालाजी ट्रेवल्स ने बताया कि उक्त माल जो है हितांशी ट्रेडिंग कंपनी जो कि इंडस्ट्रियल एरिया नीमच में ही पोस्ते का व्यापार करती है इनके द्वारा जो है ये माल यहाँ से भेजा जा रहा था। जब पूरी जांच की गई तो इसमें हितांशी ट्रेडिंग कंपनी के मुनीम भी यहाँ पर आए और उन्हीं से भी नमूना लिया जा रहा है जिनका नाम कृष्ण कुमार अग्रवाल है और उनके द्वारा बताया गया कि हितांशी ट्रेडिंग कंपनी का ही माल है और वाइट हॉर्स मार्का जो है उन्हीं का है। अभी मौके पर वो अपनी खाद्य अनुज्ञप्ति नहीं दिखा पाए हैं इसीलिए इनका पोस्ते दाने का एक नमूना लेके और 7 बोरी माल जिसके अंदर लगभग 278 किलोग्राम पोस्ता है जिसकी मूल कीमत करीबन 1,16,000 रुपये लगभग है उसको अभी जब्त किया जा रहा है शेष माल को बालाजी ट्रेवल्स के यहीं पे प्रमाइसेस पर और इसके बाद में नमूना राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल के लिए भेजा जाएगा जांच के लिए। इसी के साथ में मंडी की टीम भी आई हुई थी, मंडी ने भी अनुज्ञा पत्र जो है मौके पर चेक किया तो नहीं मिला और जबकि इतनी देर में वो जाके मंडी से बना लाए थे लेकिन क्योंकि मंडी की टीम और खाद्य विभाग पहले वहाँ पर पहुँच चुका था इसलिए उन्होंने उस अनुज्ञा को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने भी अपना पंचनामा तैयार करके और जो भी उनके अनुसार विधिवत कार्रवाई होगी वो आगे करेंगे। वॉइस ऑफ MP के लिए दीपक खताबिया की खास रिपोर्ट।